मंचलों पर लगाम कसने के लिए बुलंदशहर पुलिस की नई पहल। जनपद के गर्ल्स कॉलेज व विद्यालयों में दिन में दो बार छात्राओं से वार्ता करेंगे एंटी रोमियो स्क्वाड। एसएसपी श्लोक कुमार ने कॉलेज विद्यालयों में पिंक पेटिका लगवाने के भी दिए निर्देश। पिंक पेटिका में गुप्त शिकायती पत्र पर भी पुलिस जांच करेगी कार्यवाही। पूर्व में हुई घटनाओं का भी फीडबैक लेने के लिए पीड़िताओं से वार्ता करेगी पुलिस। महिला अपराध पर लगाम लगाने के लिए बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार ने दिए निर्देश। सर, कॉलेज स्कूलों के पास जो छेड़छाड़ की वारदातें होती हैं, उस पर रोकथाम के लिए आपकी ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो क्या हैं? देखिए, जनपद के सभी थानों पर एंटी रोमियो टीम गठित है। इनकी जो कार्रवाई है इसका हम लोगों ने मॉनिटरिंग करके इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जितनी भी एंटी रोमियो टीम्स हैं उनको एक अलग पहचान के लिए एक अलग जैकेट इनको दिया गया है, ताकि जब ये क्षेत्र में घूमें तो मालूम रहे कि एंटी रोमियो टीम चेकिंग कर रही है। साथ ही साथ जो स्कूल कॉलेजेस हैं इनमें एक पिंक लेटर बॉक्स लगाने के सभी को निर्देश दिए गए, जिसमें कि कोई भी गुमनाम प्रार्थना पत्र भी दे सकता है, जिसको कि हर सप्ताह एंटी रोमियो टीम द्वारा खोल करके चेक किया जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पूर्व के जितने भी महिला संबंधित अपराध हैं, इन सभी में एंटी रोमियो टीम द्वारा फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई या फिर ऐसे लोगों से या उनके अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाना कि वो महिलाओं का सम्मान करेंगे और कोई भी महिला संबंधित अपराध ना करेंगे, ये करने के निर्देश दिए गए। सर, पिंक पेटी के अंदर जो शिकायत। विशेष संवाददाता आनंद सिंह।